जेजेपी और बीजेपी के लिए ये तस्वीरें चिंता का विषय हो सकती हैं। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा ये रेला क्या बदल सकता है हरियाणा में चुनावी खेला? भाई, राजनीति तो संभावनाओं का समर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विफल सरकार है, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था वही प्रदेश आज बेरोजगारी और महंगाई में सबसे आगे है। बीजेपी जेजेपी सरकार है हरियाणा में, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ी में जो नंबर एक था आज नंबर एक हो गया है, बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की तो बात ही नहीं, ऐसा प्रकार ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है। लोग सारे किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान, बैकवर्ड परेशान, दलित परेशान, कोई भी महिलाएं परेशान, सुरक्षित नहीं है। हरियाणा आज पूरे देश में महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश बन गया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों में कई बड़े नाम आगे आए हैं। बड़े रिटायर्ड अधिकारी और राजनीति के कई धुरंधर कांग्रेसी बन गए हैं। हुड्डा ने कहा कि सभी को पार्टी में पूरा मान सम्मान और उचित स्थान दिया जाएगा। बहरहाल ऐसा लगता है कि हरियाणा में हवाओं का रुख बदल रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके खेमे में आता है तूफान और कौन बदल पाता है अपना विधान। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।